नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेश टीवी में। मैं हूं विपुल माहेश्वरी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुजरात के भरूच शहर के एलिड स्कूल में राष्ट्र शक्ति एकता मंच ने कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम मंच के कार्यकर्ता और होदेदार की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस दौरान एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई और संगठन को मजबूत बनाने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत मोगा के डिप्टी कमिश्नर संदीप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत मोगा के डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए मोगा की तीन ऐसे सफल बेटियों की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की थी, जिसको देखकर हर कोई वाह वाह कर रहा है। इन तीन बेटियों में ऋतिक जिंदल ने 22 साल की उम्र में IAS की परीक्षा में 88वां अंक हासिल किया है। वहीं मोगा जिले के गांव चड़िक की 17 साल की सुखमनप्रीत कौर ने बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल के अलावा 2 बार राष्ट्रीय बास्केटबॉल की कप्तानी भी कर चुकी है। वहीं इस फिल्म में 15 साल की विपनप्रीत कौर जापान के टोक्यो में रेड क्रॉस इंटरनेशनल यूथ प्रोग्राम में भाग लिया, जिसमें भारत की ओर से 2 युवाओं ने भाग लिया था। और विपनप्रीत ने इसके अलावा नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में भी हिस्सा लिया। वहीं इस 90 सेकंड की इस फिल्म को मोगा जिले के सभी सिनेमाघरों में पिक्चर शुरू होने से पहले दिखाई जाएगी। सब बहुत अच्छा लगा, बेटियां नू आगे लिया दा जो भी ये सरकार ने उपरला किया बहुत अच्छा है। इस तरह होर भी बच्चे एहतियात होंगे देख के भी असं भी इस तरह से कर सकी बेटियाँ पढ़ने से या खेडा से या जैसे भी मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए छोटी फिल्म कमेंट्री बनी है बहुत अच्छी है। लोगों को पता लगता है बेटियां भी कुछ कर सकदियां हैं। बेटियां नू भी आप रुकने का कोई भी मतलब जिमें लड़कियां नू आप पहल देने हैं इसी तरह बेटियां नू पहल देनी चाहिए। बेटियां भी बहुत कुछ कर लेंगे। बेटियां बच्चियां ये भी एक बराबर ही लड़के के साथ ही मतलब उतना ही इन्हें प्यार देना चाहिए। बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के अंतर्गत जिला प्रशासन मोगा की ओर से ये एक बड़ा अच्छा एफर्ट किया गया है कि लड़कियों को हम कैसे आगे जो आती हैं उनको कैसे उनको और आगे उनकी जो कोशिश उन्होंने की है उसको और बढ़ावा दिया जाए। और हमारा ये मानना है कि ऐसा करके हम समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि लड़कियाँ भी जो अच्छा काम करती हैं जो मेहनत से आगे आती हैं उन्हें हमें सपोर्ट करते रहना चाहिए। हाँ, अभी इसका भी हमारा है जैसे लोगों को पसंद आ रही है तो हमारा ये रहेगा कि एफर्ट्स इसको और इसके जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसके एफर्ट्स किए जाएं। पंजाब के मोगा में जेल में नजरबंद भूपिंदर सिंह उर्फ दिलावर सिंह को मोहाली कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। उन पर गब्बर खालसा के साथ संबंध होने के कई आरोप लगे हैं। 29 मई 2017 को मोहाली में मामला दर्ज किया गया था। दिलावर के भाई ने उन पर झूठे आरोप लगाने की बात कही है। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਵਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਆਖ ਤੱਕ ਖੁਲਤੀ ਹੈ ਜਬ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। पिछले दिनों हाथी गेट पर एक गरीब परिवार का 11 साल का इकलौता बेटा प्रशासन की लापरवाही के चलते हेजी की बीमारी की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। लेकिन आखिरकार प्रशासन की नींद तब खुली जब किसी की मौत हो गई। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग की गुरदासपुर टीम ने हाथी गेट और गांधीनगर में कैंप का दौरा किया और पानी की विभिन्न टंकियों का दौरा किया और पानी का सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजा गया। आजकल देश में भीड़ कानून हाथ में लेने से बिल्कुल भी नहीं चूकती और अपराधियों को इंसाफ खुद ही ले लेते हैं। ऐसा ही एक मामला पंजाब की मोगा से सामने आया है। यहाँ गांव जिद्दा में गांव वालों ने 4 चोरों को खेतों में मोटर के तार चुराते हुए पकड़ लिया। लेकिन इसी बीच 2 चोर अपने आप को लोगों से छुड़ाने में सफल रहे, लेकिन जो 2 चोर भीड़ के हाथ लगे उनकी शामत आ गई। लोगों ने पहले दोनों को पेड़ से बांधा और लात घूसों से जमकर पिटाई की। जब इनसे भी लोगों का मन नहीं भरा तो चोरों को करंट लगाने की कोशिश की गई। बाद में चोरों को घायल अवस्था में पुलिस के हवाले किया गया। पंजाब के गुरदासपुर में गांव मालिकवाल पुल के सामने स्थित एक दुकान को चोरों ने कई बार निशाना बनाया। इससे परेशान होकर दुकान मालिक और स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट किया है और मालिकवाल पुल के सामने जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि चोर लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है।
ਮਾਲੇਵਾਲ ਚੌਂਕੀ ਗਏ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲੇਵਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਉਹਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ SHO ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ। ਭਾਅ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 85,000 ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ 28-30,000 ਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 28-30,000 ਦੇ ਟਾਇਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ? ਇਹ 3 ਵਾਰਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ? ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪੇ ਰਜਿਸਟਰ ਆਪੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸ, ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਵਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਫਗਵਾੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਈਪਾਸ ਕੇ ਪਾਸ ਸਥਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਤੇ ਹੋਏ ਲੁਟੇਰੋ ਨੇ 70,000 ਕੀ ਨਕਦੀ ਲੇਕਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਕੋ ਦੋ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰੋ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦੀ। ਘਟਨਾ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਤੇ ਹੀ SP ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ DSP ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨੋ ਕੇ ਸਾਥ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ 12:15 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੋ ਲੜਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਇਸ਼ੂ ਲੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਰ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਸਰ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣਾ CBN ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਰ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੀ? 2 ਜਣੇ ਸੀ। 2 ਜਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕੋ ਕੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੋ ਕੋ ਕਹੀ। ਵਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਟਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਓਪਨ ਜਿੰਮ ਲਗਾਏ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਜਿੰਮ ਲਗਾਏ। जहां एक ओर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी अस्पतालों में अधिक से अधिक प्रसव करवाने व जननी सुरक्षा योजना के तहत अधिक से अधिक सुविधाएं देने के दावे किए जाते हैं, वहीं बीते दिनों प्रसव के लिए आई एक महिला के नवजात की प्रसव के दौरान संदिग्ध हालातों में मौत के बाद महिला ने भी दम तोड़ दिया, जिसके बाद महिला के परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। ਟਾਣੀ ਸੁਣਾ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਤੀ ਜੀ ਅਤੇ ਬੱਲੂ ਉਹਨਾਂ ਟੱਪ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੱਲ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਲੋੜ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार इस कदर घर कर चुका है कि आए दिन पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायतें बढ़ती जा रही हैं और पुलिस के कई मुलाजिम विजिलेंस विभाग द्वारा पिछले दिनों में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार भी किए गए हैं। ऐसा ही एक मामला जिला फाजिलका के थाना सदर में देखने को मिला, जहां सदर थाना में तैनात हवलदार मंजीत सिंह द्वारा एक व्यक्ति को उसके हक में रिपोर्ट बनाने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा विजिलेंस टीम को शिकायत की गई। शिकायत पर हवलदार मंजीत सिंह को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। आज साढ़े पास सूरता सिंह वासी राणा पिंड ने कंप्लेंट की सी कि उनके खिलाफ एक सुरेंद्र कौर वालों वासी कुटी वालों एक दरखास्त दी गई है थाना सदर फाजिलका। वो जी पड़ताल लई अगे हैड कांस्टेबल मनजीत सिंह नूं मार्क हुई सी ते जिहड़ा ये मनजीत सिंह कोले गया उन्हें इहदे हक च रिपोर्ट बनाउण लई 10,000 रुपए की डिमांड की। 8,000 विच इहनां दा सौदा तय हो गया। 5,000 तां इहनें 24 तरीक नूं हौलदार ने इहनें मनजीत सिंह ने उन तों लै लिया ते 3,000 रुपया इहनें 2 दिन बाद च देण दा वादा करके ये साढ़े को इतने आया। सानू इन्हें बयान लिखाया, इन्हें बयान के बिहाफ से असी FIR नंबर 20,000 रिश्वत रेंदे रंगे हथी असी काबू किया तो जोड़े रिश्वत के पैसे असी बरामद कर लिया तो अगली मुकदमे की तफ्तीश जारी। पंजाब की पटियाला पुलिस ने मर्डर केस के गुत्थी सुलझाते हुए 3 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया है। पुलिस जाँच में सामने आया कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी और दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार और बाइक बरामद कर ली है। पंजाब के जालंधर में एक बुजुर्ग महिला की लाश मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घर में बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। ਉਪਰਾ ਮਹੱਲਾ 10 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾ 70-75 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਮਹਿਲਾ ਆਮ ਪੇਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆਮ ਪੇ ਵੀ ਮਰਦੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਦਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए पूर्व जेल मंत्री व अकाली दल नेता सोहन सिंह ठंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राजकुमार वेरका को केंद्रीय दर्जा देकर एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा अमृतसर में सिद्धू को नीचे दिखाने के लिए किया है। पर यह जी दो घटनावां आ नाभे दे विच बिट्टू दी दा मर्डर हो जाए और अमृतसर दी जेल दे विच जिहड़ा ड्रग दा बंदा जिहदा मतलब एड्डी वड्डी गिणती दे विच क्वांटलां दे हिसाब विच जिहड़ा नशा फड़ होया सी 2700 करोड़ जी दी कीमत रखी गई आ और इंटरनेशनल दा यह रैकेट दा जिहदे कोल पता लग जा सकदा जिहड़ी अज रात दिन पूरे पंजाब विच नहीं देश विच हिमाचल हरियाणा होर खबर अयोध्या से है, जहां कावड़ लेकर जा रहे एक दर्जन से अधिक कावड़िए सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। पिकअप सवार कावड़िए जल लेकर लौट रहे थे, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली से कावड़ियों की पिकअप की टक्कर हो गई। इस घटना में एक दर्जन से अधिक कावड़िए घायल हो गए। अयोध्या के सिविलनाइल इलाके के एक होटल में प्रेमी युगल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दोनों प्रेमी युगल बनारस के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने मौके से कीटनाशक दवा की शीशी भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यात्री निवास होटल में एक युवक और एक युवती दो लोग आकर के यहाँ रुके थे 24 तारीख को। आज सूचना मिला ये दोनों जो है तबीयत खराब है और दोनों ने कुछ खा लिया है तो इस पर देखा गया तो जो पीड़िता है युवती उसकी मृत्यु हो गई है और जो युवक है वो अभी ट्रीटमेंट उसका चल रहा है और इस संबंध में यहाँ पर छानबीन कार्यवाही की जा रही है और परिवारिकजन को सूचना दी गई है। ये लोग जो इनका आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट मिले हैं इससे जो वाराणसी के रहने वाले हैं इनके परिवारिकजन से संपर्क करके जो है इसे बात करके और पूरे तथ्यों की जांच करके आगे अग्रिम विधिक कार्यवाही इसमें की जाएगी
बरेली विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी व अजितेश की प्रेम कहानी का वीडियो वायरल होने के बाद अब मुरादाबाद में भी प्रेमी युगल का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने परिवार से जान का खतरा बताया है। पाकबाड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली बीए की छात्र महराज को माशुक अली नाम के युवक से प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों ने गुपचुप तरीके से निकाह कर लिया। 3 दिन पहले अचानक लड़की अपने प्रेमी के साथ चली गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने थाने में प्रेमी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे के बाद पुलिस और परिजनों से परेशान प्रेमी युगल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसमें उन्होंने दोनों ने अपनी मर्जी से निकाह और परिवार से जान के खतरे होने की बात कही है। मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश रहना चाहती हूँ। मैं पाकबड़ा मुरादाबाद क्षेत्र की पाकबड़ा थाने की रहने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ खुश रहना। कब शादी की थी आप? 2 महीने पहले मैंने शादी की थी। मुस्लिम तौर पे जो रिवाज के तौर पे किया जाता है वो मैंने सब किया था। कोर्ट मैरिज भी किया था, निकाह भी हुआ था मेरा। मेरे घर वाले मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं और मेरी फैमिली को परेशान कर रहे हैं। मैं उनके लिए सेफ्टी चाहती हूँ, अपनी और अपने परिवार की। मैंने और मेरी वाइफ ने भागकर शादी की है। मैं मुरादाबाद कप्तान साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेरे और मेरे परिवार की सेफ्टी की जाए, क्योंकि मेरे परिवार को और मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है और हमें धमकियाँ मिल रही हैं जान से मारने की। क्या अगर आप हम कुछ करते हैं तो हम उन्हें जान से मार देंगे अगर हम नहीं आए तो। मैंने और मेरी वाइफ ने अपनी मर्जी से शादी की है और हम चाहते हैं कि हमें थोड़ी सेफ्टी मिल जाए। देखिए, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये हमारे संज्ञान में आया है। इसमें एक युवक और युवती जो है वो आपस में शादी करने की बात कर रहे हैं और पुलिस से सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि थाना पाकबाड़ा पर युवती के पिता द्वारा एक अपहरण का एक मुकदमा दर्ज कराया हुआ है, जिसकी की विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे इस लड़की के बयान कराए जाएंगे माननीय न्यायालय के सामने। वहाँ जो भी तथ्य सामने आएंगे इसकी उम्र के संबंध में और इसके बयानों में उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जैसी भी आवश्यकता होगी ये हमारे साथ आएंगे, हमारे सामने आएंगे, तो इन्हें सुरक्षा भी निश्चित तौर पर मुहैया कराई जाएगी। अयोध्या के रुदौली में बीते दिनों हुई हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने प्रेमिका, उसके जीजा और 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वारदात में शामिल प्रेमिका का संबंध जीजा से बन गया था, जिसके बाद प्रेमिक को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमिका ने उसके जीजा और उसके 2 भाइयों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। थाना रुदौली अंतर्गत ग्राम बनगवा में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान कन्हैया लाल पुत्र फूलचंद निवासी जलालपुर थाना रुदौली के रूप में हुई थी और मृतक कन्हैया लाल के पिता फूलचंद की तहरीर पर थाना रुदौली में 302 IPC का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें 4 लोग नामजद थे और इस घटना के अनावरण और मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी रुदौली और उनकी टीम, स्वाट, सर्विलांस, सब लोगों ने मिल के काफ़ी मेहनत किया और इस घटनाक्रम में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक लड़की इन्वॉल्व है और लड़की के संबंध मृतक से पहले थे, बाद में लड़की के संबंध अपने सगे जीजा कमलराज से हो गए थे। लड़की और कमलराज मिल करके ये साजिश किए कि इस लड़के को यानी मृतक कन्हैया लाल को रास्ते से हटा दिया जाए। संसद में प्रोटेल स्पीकर पर सपा सांसद आजम खान द्वारा की गई टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां तमाम विरोधी दल एकमत होकर उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं योगी सरकार के राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने भी आजम खान के बयान की निंदा करते हुए उन पर असंवैधानिक कार्रवाई करने की मांग की। भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद देहात विधानसभा क्षेत्र के सदस्यता अभियान की शुरुआत करने पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते उन्होंने ये बात कही। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आजम खान विवादित बयान देकर चर्चा में हमेशा बने रहते हैं और उनकी आदत भी बन चुकी है। जिस प्रकार संसद में उन्होंने प्रोटेम स्पीकर को लेकर बयान दिया वो बेहद घटिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों के बाद आजम खान की समाज में उनकी माँ बहनों के प्रति सोच जाहिर होती है। अगर वे माफी नहीं मांगते तो उन पर संविधान के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। आजम खान का स्वभाव आपने देखा होगा, हमेशा इस तरह के विवादित बयानों के द्वारा ही वो चर्चा में रहे हैं, लेकिन बहनों के प्रति, महिलाओं के प्रति, अपनी माताओं के प्रति इस तरह के भाव रखना ये किसी भी सभ्य समाज के लिए निराशाजनक स्थिति है। उनका व्यवहार अशोभनीय है। इससे पहले भी वो महिलाओं के प्रति बहुत ही निराशाजनक दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी उन्होंने की है पहले, लेकिन संसद में जो उन्होंने इस तरह की
जो उनका व्यवहार है वो शोभनीय नहीं है। ठंडू तरह है तजीम अवाम में हलहे सुन्नत के अध्यक्ष महुब्बे अली नईमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आजम खान के जुल्मों की कहानी बयान की। उन्होंने अखबार की कटिंग दिखाकर आजम खान पर कई आरोप लगाए, वो कई मामलों का खुलासा भी किया। बता दें महुब्बे अली नईमी का कहना है कि वे पिछले 10 सालों से आजम खान के जुल्मों के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उनका कहना है कि आजम खान ने यूनिवर्सिटी के नाम पर कारोबार कर रखा है। महुब्बे अली का आरोप है कि आजम खान ने तमाम सरकारी धन अपनी इस निजी यूनिवर्सिटी में लगाया है और किसानों की जमीन जबरदस्ती कब्जा की है। इतना ही नहीं सरकारी जमीनों पर भी कब्जा किया है। नईमी का कहना है कि वो आजम खान के कृत्यों के खिलाफ बरेली सहित तमाम इस्लामी संस्थाओं से फतवे ले चुके हैं, जिसमें आजम खान का साफ तौर से बायकॉट करने का ऐलान कर दिया जाएगा। कब्रिस्तानों को 40 दिन बराबर जेसीबी चलती रही और मुसलमानों के कब्रों से भराव कराया जाता रहा और मुसलमानों की ज़मीनें यूनिवर्सिटी के नाम पर जिस तरह से जुल्म ज़्यादती हुई है, एक एक हफ्ते तक बेचारों को हवालात में बंद किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था और जो ज़्यादतियाँ हुई हैं वहाँ मुसलमानों के ऊपर, तो इस जमहूरी निज़ाम में उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। मुसलमानों की ज़मीनें गसब की गई हैं, आपको मालूम होना चाहिए। वो कहते हैं कि मैंने एक नो के बराबर भी वो किया हो, इनका जहाँ पर जनाब का भैंसखाना और हम सफ़र होटल है वहाँ पर पसियापुर एक गाँव है, वहाँ पर इनका फार्म हाउस है। 100 बीघे ज़मीन मुसलमानों की इन्होंने गसब कर रखी है, किसी को 2 रुपये नहीं दिए। खुशकिस्मती से सपा सरकार नहीं आई, वरना उन पर भी डंडा फिर रहा होता और वो ज़मीनें रजिस्ट्री करा रहे होते। यूपी के मुरादाबाद में शराब के नशे में बाइक सवार ने कांवड़िए को टक्कर मार दी। बाइक सवार ने रोड पर चल रहे कांवड़िए को पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद कांवड़ियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम एक साइड पर चल रहे थे किनारे, बाइक वाला आया, बाइक को बाइक सवार को पुलिस ने पकड़ लिया। कितने लोगों की चोट लगी है इसमें? एक लोग के जान लगी और दो तो एकदम हम बेहोश हो गए थे, एकदम पिछले दिन आया। आप यहाँ किस चीज़ से यहाँ आए? आप किस चीज़ से आए हैं? पैदल रास्ते थे। नहीं नहीं, वो जब हंसा वो फिर आपको कौन लेकर आया अस्पताल? गाड़ी से आए थे। यूपी के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुरादाबाद हरिद्वार मार्ग पर देर रात्रि कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल हरिद्वार से बरेली जा रहे कांवड़ बेड़े में कांवड़ लेकर चल रहे शिव भक्तों के पीछे से एक अनियंत्रित कार ने आकर टक्कर मार दी, जिसमें कांवड़िए घायल हो गए, जिसके बाद गुस्साए शिव भक्तों ने हाहाकार मचा दिया। खतरा भांपते हुए अज्ञात कार सवार कार छोड़कर मौके से भाग गया और गुस्साए लोगों ने कार के कैच गुस्साए कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ कर दी और जाम लगा दी। शिवभक्त कांवड़ियों के साथ इस घटना में लगभग 6 शिवभक्त घायल हो गए और तोड़फोड़ के साथ जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने माहौल को शांत कराया। हम हरिद्वार से अपने गांव जा रहे थे, देवसारा संग्रामपुर। कहाँ पड़ता है ये? साहब जिला बरेली, तहसील आंबला, थाना सिरौली। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ हम कामर लेके आ रहे थे सर, और उसके बाद में एक पता नहीं कौन, उसने हमारी कामर में अपनी गाड़ी ठोंक दी थी सर। कितने लोग घायल हुए आपके? हमारे 6 लोग घायल हुए हैं सर। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी वो थी मारुति वैन, अल्टो थी, अल्टो अल्टो। यूपी के यमुना एक्सप्रेस वे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ माइल स्टोन 117 पर एक बस सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। दरअसल यह हादसा बस ड्राइवर की नींद की झपकी आने के कारण हुआ। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बस में सवार 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची महावन पुलिस ने घायलों को मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बैतूल भैंसदेही तहसील के गुंदगांव परतवाड़ा मार्ग पर बेलेगाम आ रहे एक रेत से भरे ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चालक युवक को पैरों में चोट आई। जानकारी के मुताबिक 2 युवक जो कोठलकुंड पंचायत के एटापुर के रहने वाले हैं, अपनी बाइक पर सवार होकर भैंसदेही किसी काम से जा रहे थे कि झिरी गांव के पास बेलगाम आ रहे एक रेत से भरे ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में कृष्ण बावने की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। कोलकाता के केनिंग में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हथियार का जखीरा पकड़ा है। यहां पुलिस ने छापेमारी करते हुए अवैध कारखानों पर छापा मारा और भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया। आपको बता दें जिस कारखाने पर छापा मारा गया उसका मालिक अबू सिद्दीकी पहले भी हथियार बनाने के मामले में जेल जा चुका है।
राजस्थान के रूपबास के दुबे कंप्यूटर सेंटर पर मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर मंडल अध्यक्ष नवीन कुमार दुबे के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की मन की बात सुनी। वहीं इस मौके पर महामंत्री रवि फौजदार, देवेंद्र पाराशर, रामदया कोहली समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुगम और निर्बाध विद्युत आपूर्ति को लेकर अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक वीएस भाटी के निर्देशानुसार डीडवाना खंड के विद्युत निगम अधिकारियों ने विशेष फीडबैक अभियान चलाया। इस दौरान ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया गया, साथ ही विद्युत आपूर्ति, विद्युत तंत्र व समस्याओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया गया। इस अभियान के तहत डीडवाना के अधिशासी अभियंता गंगाराम मीणा के नेतृत्व में डीडवाना खंड के 12 कनिष्ठ अभियंता, 4 सहायक अभियंताओं की टीम ने 130 गांवों का दौरा कर विद्युत आपूर्ति संबंधी जानकारी व समस्या का अध्ययन किया। इस दौरान गांव में लगभग 20 से 22 घंटे घरेलू विद्युत आपूर्ति सुचारू मिली, साथ ही कृषि कार्य के लिए 6 घंटे विद्युत आपूर्ति पाई गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नवदेश टीवी।